हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकादमी। दिस इज आदर्श्री सोलंकी, योर लेक्चरेट एंड जीडी गाइड। आज का टॉपिक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, दैट इज इंडियाज रोल इन द यूएन। यूएन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि यूएन के कितने मेंबर्स बॉडी यूएन के कितने ऑर्गन्स है, हाउ मेनी नंबर ऑफ ऑर्गन्स आर देयर इन यूएन, ठीक है। आई जस्ट नीड द नंबर, आई डोंट नीड द नेम्स फ्रॉम ऑल ऑफ यू। तो चलो बढ़ते हैं हम टॉपिक डिस्कशन पे कि इंडियाज रोल इन द यूएन। Now, with a motive to maintain international peace and security and to promote cooperation in economic, social and cultural fields, the UNO was established on 24th October 1945 in San Francisco, California. One more thing I would like to know from all of you कि UNO का headquarter किधर है? Very much asked question, very much important guys, ठीक है, मुझे बताना ये सब। तो इंडिया जो है UNO में इतना ज़्यादा इंडिया का involvement ज़रूरी क्यों है, पढ़ क्यों रहे, UNO इतना important क्यों है, ठीक है। UN is important because UN is meant like a peacekeeper फॉर द ग्लोबल पूरा वर्ल्ड, ठीक है, जितना भी एग्जिस्ट करता है। तो यूएन को ऐसा माना जाता है कि कल्चरल, इकोनॉमिकल, पीस, ये सब जो प्रिजर्व करने की एक पूरी ग्लोबल बॉडी है, उसको यूएन को माना गया है, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, इट वॉज फॉर्म्ड सून आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर एंड वॉज अ सक्सेसर टू द लीग ऑफ नेशंस। तो पहले जो है लीग ऑफ नेशंस था, बट अब वर्ल्ड वॉर के बाद उसको यूएनओ बना दिया गया। ओके गाइज, इट प्रेजेंटली कंसिस्ट ऑफ 193 मेंबर स्टेट्स एंड इज गाइडेड बाई द प्रिंसिपल्स मेंशन इन इट्स चार्टर। इन इट्स चार्टर, ओके, आई थॉट कंटिन्यू होगा, फाइन। तो उसके जो प्रिंसिपल्स हैं वो किस में मैंशनड है, चार्टर में। ऑल्सो वन मोर थिंग कि यूएन हमें बहुत ज़्यादा अच्छे से याद रखना है कि यूएन जो है इसके प्रॉपर प्रिंसिपल्स हैं, हर चीज़ पर बहुत अच्छे से एक्ट करता है, प्रॉपर रेगुलेशंस हैं। अनादर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसकी मेंबर कंट्रीज कितनी है, दे ऑल्सो आस्क दिस कि हाउ मेनी मेंबर कंट्रीज आर देयर इन द यूएन, यू शुड बी एबल टू आंसर दैट, 193। ओके, नाउ मूविंग ऑन, इंडिया इज वन अमंग द 50 फाउंडिंग मेंबर्स हु साइन द यूएन चार्टर इन 1945। फाउंडिंग मेंबर्स कितने हैं, 50। इंडिया इज अ पार्ट ऑफ इट और नॉट, यस इंडिया इज अ पार्ट। ओके, सिंस देन इंडिया हैज मेड इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय बीइंग अ मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएनएससी एंड अदर स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूएन। नाउ गाइज, इस बार एक क्वेश्चन आ गया था कि यूएनएससी का कोई मेंबर कौन सा, मतलब चार कंट्रीज दे दी, उन चारों में से पूछा कि कौन सा जो है वो यूएनएससी का मेंबर नहीं है, ठीक है। ऑप्शंस वर लाइक यूएसए, रशिया, फ्रांस एंड जर्मनी। तो वी ऑल नो कि यूएसए, फ्रांस तो बिल्कुल रहेंगे, रशिया और जर्मनी में से कौन सा नहीं है, तो दैट इज जर्मनी। ओके गाइज, नाउ तो ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपको, सार्क की कंट्रीज देके पूछ सकते हैं कौन सी कंट्री सार्क का मेंबर नहीं है, आपको बिम्स्टेक का पूछ सकते हैं, आपको मतलब बहुत सारे जितने भी एसोसिएशंस हैं, शंघाई कोऑपरेशन, जितने भी मैंने बताए हैं, दे ऑल आर वेरी इंपॉर्टेंट। उन सबके हेडक्वार्टर्स देखो, उन सबके मेंबर कंट्रीज देखो। ओके गाइज, नाउ मूविंग ऑन, इंडिया का रोल क्या है, ओरिजिनल मेंबर ऑफ द लीग ऑफ नेशन, ठीक है। तो लीग ऑफ नेशन का ओरिजिनल मेंबर इंडिया था, 50 फाउंडिंग मेंबर्स में भी इंडिया था। तो लीग ऑफ नेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1920 विद एन ऑब्जेक्टिव टू प्रमोट यूनिटी अमंग कंट्रीज टू प्रिवेंट द पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूचर वॉर। तो ये क्यों बना था वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो वो वर्ल्ड वॉर के बाद ही क्यों बना, ताकि ऐसे वॉर और ना हो। ओके गाइज, ऑल्दो ओनली सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज वर कंसिडर्ड मेंबर्स एंड एक्सेप्शन वॉज मेड फॉर इंडिया। अब देखो 1920 में इंडिया जो था वो तो ब्रिटिश रूल के अंडर था, बट इट्स सच अ ह्यूज थिंग कि एट दैट टाइम सिर्फ सेल्फ गवर्निंग कंट्रीज ही थी, बट एक्सेप्शन था इंडिया। दो इंडिया वॉज अंडर द ब्रिटिश रूल, स्टिल इंडिया वॉज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशंस। द अंडरलाइंग रीजन फॉर द सेम वॉज इट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन टू एलिड फोर्सेज इन WW1, वर्ल्ड वॉर वन, उसमें जो इंडिया का कॉन्ट्रीब्यूशन था, दैट्स वाई। नाउ वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज इन साइनिंग वेरियस डिक्लेरेशन, तो जितने भी डिक्लेरेशन साइन होते हैं उसमें इंडिया जो है हमेशा वन ऑफ द फर्स्ट ही रहता है, ठीक है। Now, India was an active member in drafting the Universal Declaration on Human Rights, which highlighted the need for gender equality, hai na? One more thing, gender equality index कौन release करता है globally और India के क्या rank है, that is also important. Now, due to India's efforts, the words all men are created equal but changed to all men and women are created equal, ठीक है। तो ये एक जो slang वो use करते थे उसको उन्होंने change करके men and women कर दिया। Now, India was one of the earliest signatories when Convention on Elimination of All Forms of Racial Discrimination was adopted. ठीक है, तो जितना भी racial discrimination के ऊपर जितने भी convention होते हैं उसमें India हमेशा part लेता है, because India is a firm believer of that all men and women are created equally. Okay guys, अब representation of developing countries. India हम सबको पता है developing है, तो India को है एक representator माना जाता है developing countries का, ठीक है। जितने भी developing countries हैं, there are many, उन सबका representator India को माना जाता है। Okay guys, India strengthened its position in the UNO as an advocate
to present the needs and aspirations of the developing countries and to promote international cooperation. This was the result of the formation of non-aligned movement and G77 in which India played major role. So G20 hai, theek hai, G7, G8, G77, theek hai, 77 I heard it for the first time, but still. Major participant of UN peacekeeping mission. Now, India has completed 70 years in 2018 in serving UN peacekeeping mission. ठीक है, हमें कितना साल हो गया था 2018 में? कितने साल हुए थे? Just look at it, 70 years. ठीक है, it's huge. Now, it has deployed police personnel in Korea, Egypt and Congo in earlier years and in Somalia, Angola, Rwanda in recent years and more recently in Haiti for maintaining harmony. तो कुछ भी नहीं है, ये बस बता रहे हैं कि इंडिया जो UNO में है, तो जितने भी countries है, उसमें इंडिया किस-किस को help करती है? Now we all know that India की policy है to help anyone in need. भले ही वो friend हो, भले ही वो neutral हो आपका, भले ही वो enemy हो, अगर उसको ज़रूरत है तो India will be always there to help them. जैसे अभी earthquake आया था, हमने वो भी discuss किया था, कैसे आया, क्यों आया, everything. ठीक है, now member of the G4. G4 is the group of countries which are seeking permanent representation in the UN nation. These countries include Brazil, Germany and Japan along with India. तो G4 countries में कौन सी चार countries हैं, हमने देख लिया, और वो क्यों हैं? ताकि UNO में permanent membership मिल जाए. Now, India has made claims for the same on account of its being the second largest populated country and world's most largest liberal democracy. ठीक है, तो इंडिया को माना गया है कि सबसे ज़्यादा democratic country इंडिया ही है. Of course, second populated है अभी. Soon it will be the most populous. Now, another major reason would be India's contribution to peacekeeping missions. One more thing, एक question था कि इंडिया ने अभी एक women पूरी जो है deploy की है. कौन सी कंट्री में डिप्लॉय की है? वो भी एक पीस कीपिंग टीम है विमेन की, वो डिप्लॉय की गई है कौन सी कंट्री में? ना आंसर वो सूडान. ओके, रीस्ट्रक्चरिंग एंड एक्सपेंशन ऑफ UNSC. India has worked with like-minded countries to expand the permanent membership in UNSC, which is in response to the arguable geopolitical structure of the Security Council after World War II. So, wohi bataya ki permanent membership extend karna hai India ko. That's why G4 bhi tha. That's why all of this. Now, government of India has strongly put forward India case and the Russian Federation, United States, United Kingdom and France are in support for India in getting permanent seat. So, dekho, ab sabko pata hai, US, France, Russia, all the big countries are already supporting India to be a part of UNSC. कौन सी कंट्री जो oppose कर रही है? China oppose कर रही है. ठीक है, तो we all know that. Now, elected several times at the UNSC Council. ठीक है, बहुत बार elect भी हुआ है. India has been elected several times and became a non-permanent member for the period 2011 to 2103, where it played a crucial role in promoting international harmony, its own national security. Make it 2013, ठीक है, make it 2013, there is some typing error. All right, तो इंडिया जो है थोड़ी टाइम के लिए एक नॉन परमानेंट मेंबर भी बना था. नाउ मूविंग ऑन, अब आते हैं हमारे कंक्लूजन पे. तो हमने अभी तक क्या देखा, अभी तक हमने क्या देखा कि इंडिया का रोल क्या क्या है, उसमें रह के इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है, कितनी कितनी कंट्रीज़ को इंडिया ने हेल्प किया है, एवरीथिंग. कंक्लूजन पे आ जाते हैं कि इंडिया ने जो है बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है UN नेशंस ऑब्जेक्टिव में अपने फॉर्मेशन ईयर्स के साथ ही, जब वो लीग ऑफ नेशन था तब से ही. उसके बाद उसने इनइक्वालिटी, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, इन सब के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा बोला भी है. इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड हैज़ द केपेबिलिटी टू मैनेज इंटरनेशनल कॉपरेशन रिस्पॉन्सिबिलिटीज थ्रू इट्स ग्लोबल पावर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली India has been fighting continuously for achieving democracy in the UN nations. ठीक है, तो ये सब जो है conclusion में, ये जो हमने पूरा discuss किया उसका एक छोटा सा भाग है. Now I hope you all understood it. जितने questions मैंने पूछे थे, I need answers from you all in the comment section. Be connected. Thank you for watching. जय हिंद.